स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन जो हमने कल छोड़ा था, दैट इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n। इसमें हमने दो केस डिस्कस कर लिए थे, व्हेन n इज इवन इंटीजर एंड व्हेन n इज ऑड इंटीजर पॉजिटिव। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं उसको, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो जो हमारा पहला केस था वो था क्या, n इज इक्वल टू 2m वेयर माय m बिलोंग्स टू i प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एग्जांपल जैसे क्या होगा इसका, y इज इक्वल टू x स्क्वायर x की पावर 4 एंड सो ऑन विद इवन पावर्स। और इसका ग्राफ मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, देखो ये होगा इस टाइप का। देखो सिंगल ग्राफ बनाना है तो इसको मैं x की पावर 4 भी बोल सकता हूँ, स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, शेप यही रहेगा। अब मान लो मुझे x की पावर 4 स्क्वायर और x की पावर 4 दोनों को एक ही स्केल पे बताना है तो थोड़ा क्रिटिकल होगा, तो हमें थोड़ा और एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या होगा वो कि जब भी मैं x मेरा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा या फिर -1 से 0 जब फ्रैक्शन रहेगा x, तब मेरा क्या होगा, x स्क्वायर बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन की पावर अगर बड़ी होती है तो नंबर छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब ये ग्राफ मेरा, देखो ये दोनों ग्राफ बना रहा हूं एक ही स्केल पे, देखना ध्यान बच्चों, एक ये होगा और एक होगा। अगर मान लो ऐसे भी क्वेश्चन दे दिया मैंने बोला कि अब एक ब्लू वाला है एक ब्लैक वाला है, इन दोनों में मार्क करो कि एक्स स्क्वायर कौन सा है, एक्स की पावर 4 कौन सा है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा मेरा, ये 1,0 होगा। दिस इज 1 एक्चुअली एंड हियर इट इज -1,0। ठीक है, अब जो मैंने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 से 1 के लिए ऊपर होगा, तो दिख रहा है 0 से 1 के लिए ब्लैक वाला ऊपर है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर एंड दिस इज एक्स की पावर 4। ठीक है, ये कल हमने देखा था। जैसे अगर मान लो मुझे एक्स की पावर 6 बनाना है इसके इस पे एक और, तो उसको मैं और बना देता हूं। तो मैंने क्या बोला, एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 4 के भी नीचे आएगा 0 से 1 के रेंज में, और एक 1 के बाद वो ऊपर निकल जाएगा दोनों से। तो लेट्स से मैं एक और बना देता हूं, इट इज समथिंग लाइक दिस। क्लियर है बच्चों? फिर हमने देखा था सेकंड वाला, when n is even odd integer, तो उसके लिए मेरा क्या था, लेट्स से मैं सेकंड वाला था ये हमारा, when n is equal to 2m plus 1 और m belongs to i plus। तो इसमें मेरे ग्राफ कौन कौन से बनेंगे, y is equal to x cube x की पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे होता है देखो बच्चों, पहले मैं एक ग्राफ बना लेता हूं x cube का, लेट्स से दिस विल बी द ग्राफ ऑफ x cube। ठीक है, अब इसमें भी वही चीज है कि जैसे मैं इस वाले को x cube भी बोल सकता हूँ, x की पावर 5 भी बोल सकता हूँ, शेप ऐसे ही रहेगा, बट अब कहाँ एनालिसिस ज्यादा होगा, जब मेरे को दोनों एक ही स्केल पे एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करने होंगे। तो x की पावर 5 क्या होगा, 0 से 1 के बीच में नीचे आएगा, तो ग्राफ देखो ऐसे लगेगा, दिखने में ऐसा होगा, नीचे होगा फिर 1 के बाद ऊपर निकल जाएगा, तो दिस इज 1, तो दिस इज 1,0। सिमिलरली इधर भी क्या होगा, 0 से 1 के बीच में x की पावर 5 नीचे होगा, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, फिर उसके बाद ऊपर निकल जाएगा, सो दिस पॉइंट इज 1,0 -1,0। तो जो ब्लू वाला मेरा है वो तो क्या हो गया, x की पावर 5 और ये हो गया x cube। अब ऐसे तो मना के सकते हो x की पावर 7, 9, बस याद क्या रखना है कि 0 से 1 के बीच में पावर ज्यादा होगी तो वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन की पावर हम जैसे बढ़ाते हैं क्या होता है, वो छोटा होता जाता है नंबर। तो ये दो केस हमने कल डिस्कस कर लिए थे, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हम ना। तो ये तो पहले तुमने लिख लिया है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखना इसमें टोटल हम 8 केसेस पढ़ने वाले हैं, और हर एक चीज तुम्हें एकदम टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है ना, जो भी मैं ग्राफ ले रहा हूं इट शुड बी ऑन टिप्स। तो तुम्हारे क्या होगा, तुम्हारा अच्छा कमांड हो जाएगा पूरे कैलकुलस पे, अगर तुम्हारा फंक्शन अच्छा हो गया। ठीक है, और फंक्शन का मेन क्या है, ग्राफ। तो अब देखते हैं, अब मैं थर्ड केस ले रहा हूं, देखना ध्यान से बच्चों। थर्ड में मेरे को कौन से टाइप के चाहिए कर्व, y इज इक्वल टू जैसे रूट एक्स, फोर्थ रूट ऑफ एक्स एंड सो ऑन, इवन रूट ऑफ एक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं n पे कंडीशन लगा रहा हूं, देखना ध्यान से बच्चों। n इज इक्वल टू हमारा हो गया 1/2m, m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्या बोला मैंने, 1/2m, m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, इससे क्या आएगा 1/2 n की वैल्यू, फिर 1/4, 1/6 और वो हम x की पावर में लिख रहे हैं, तो हमारा आ जाएगा रूट एक्स, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, सिक्स रूट ऑफ एक्स। तो इसके लिए देखो, अब देखना क्या इसका ग्राफ जो होगा, जैसे कि हमने पढ़ा, जैसे रूट एक्स वाई इज इक्वल टू रूट एक्स क्या होता है, पैराबोला होता है। जैसे मैं अगर स्क्वायरिंग कर दूं तो इधर क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप है। तो हमें पता है कि पैराबोला का ग्राफ कैसे होता है, इट इज लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अब छोटी छोटी चीजें और, जैसे मान लो तुम्हें कभी कंफ्यूजन होगी कि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में था कि सेकंड में भी था, थर्ड में था या फोर्थ किस में था,
तो वो तुम ऐसे बता सकते हो कि जैसे रूट एक्स है, हम मुझे पता है रूट एक्स है, तो इसका डोमेन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब जो हमारा रूट एक्स आएगा वाई इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ, उसमें एक्स पॉजिटिव ही डाल सकते हैं हम, डोमेन इज एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब फर्स्ट में और फोर्थ में भी डिसाइड करना है तो फिर हम वाई पे जाएंगे, y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब मैंने बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में कि रूट ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब रूट ऑफ x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा, इसका मतलब वो x एक्सिस के नीचे नहीं आएगा, हेंस द ग्राफ विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और भी बारीक चीजें देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला जीरो पे इसका स्लोप देखना है मुझे, तो देखो दो चीजें होती है देखना, ध्यान से देखना, मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि जैसे मुझे ग्राफ का एग्जैक्ट एनालिसिस करना है कि जीरो पे कैसा नेचर होगा, तो देर आर, चलो मैं तीन पॉसिबिलिटी देख रहा हूं, दिखा रहा हूं तुम्हें, देखना ध्यान से बच्चों। एक तो मैंने बनाया है ये जो एक्चुअल ग्राफ था, एक मैंने बनाया ये और एक मैंने बनाया ये, इस टाइप का, तीनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं हम। देखो जीरो पे हम इसका स्लोप से एनालिसिस करेंगे कि कौन सा करेक्ट है, तो जीरो पे मैं पहले स्लोप निकाल लेता हूं, उसके लिए मैं क्या करूं, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं वाई इज इक्वल टू रूट एक्स को, एंड आई होप पता होगा इसका डेरिवेटिव तुम लोगों को, दिस इज वन अपॉन टू रूट एक्स। क्या होता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन का, डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एन टाइम्स एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, जब एन की जगह वन डालोगे तो तुम्हें ये आ जाएगा, ठीक है, सॉरी हाफ डालोगे तो वन अपॉन टू रूट एक्स आ जाएगा। अब दिख रहा है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये चीज कहां जा रही है, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी की तरफ, इसका मतलब जीरो पे जो टेंजेंट होगा दैट विल बी वर्टिकल। तो अब मैं तीनों में आता हूं, तो तीनों में देखा मैंने वर्टिकल टेंजेंट वर्टिकल कहां है, तो पहले मैं इसका डिस्कस कर लेता हूं, इधर तो क्या है टेंजेंट जीरो पे हॉरिजॉन्टल आएगा, इस पे मेरा टेंजेंट क्या आएगा ऐसा आएगा, कुछ एंगल बनाएगा, लेट्स से 45 डिग्री बना रहा है इधर, और इधर ध्यान से देखोगे जो टेंजेंट आ रहा है वो वर्टिकल आ रहा है जीरो पे, हेंस दिस इज करेक्ट, दीज टू आर रॉन्ग। तो समझ में आया, डेरिवेटिव्स डिफरेंट, हम उसके डीवाई बाय डीएक्स से भी थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं विच इज करेक्ट। ठीक है, सिमिलरली अब जैसे इन्फिनिटी पे भी इसका नेचर कैसा होगा, तो देखो एक तो क्या है कि ये फ्लैट ऐसे हो जाए, एक मैंने माना ऐसे हो गया, एक और मैंने मान लिया लेट से कुछ एंगल पे जा रहा है ऐसे, फिर मुझे बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा, तो हम जीरो फिर इन्फिनिटी पे डेरिवेटिव देखेंगे, तो जब मैं इसमें इन्फिनिटी डालूंगा एक्स की जगह तो क्या आएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा जीरो की तरफ जाएगा। अब वन जीरो की तरफ जाएगा, इसका मतलब इन्फिनिटी पे कर्व क्या हो जाना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप हॉरिजॉन्टल होगा तभी टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा। अब देख रहा है कि ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, इधर तो हमारा वर्टिकल हो रहा है, इधर भी हमारा वर्टिकल टाइप हो रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, सो हेंस दिस इज करेक्ट, इन्फिनिटी पे जाके हमारा स्लोप जीरो होना चाहिए, सो दिस इज द करेक्ट ग्राफ ऑफ दिस। तो है, और वो चीज मैंने कैसे बोली कि सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होगा और थर्ड में नहीं होगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव नहीं डाल सकते, प्लस फोर्थ में भी नहीं होगा, क्यों कैसे क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाई क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, जीरो या पॉजिटिव बोल सकते हैं, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव मोर प्रिसाइजली। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर देता हूं। अब क्या करते हैं हम, इसी के अंदर हम फोर्थ रूट ऑफ एक्स का और बना लेते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही, अभी जैसे इस वाले को मैं फोर्थ रूट ऑफ एक्स भी बोल सकता हूं एट प्रेजेंट, बट मुझे दोनों ग्राफ को वाई इज इक्वल टू रूट एक्स और फोर्थ रूट ऑफ एक्स दोनों को मुझे इसी स्केल पे प्लॉट करना है। तो देखो क्या होगा, देखो सबसे पहले बात क्या करते हैं हम, जब भी दो ग्राफ को एक ही इस पे प्लॉट करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला नहीं लेकिन अब बता रहा हूं, देखो ध्यान से, हम दोनों को इक्वेट करके पहले देखते हैं कि वो दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं। तो व्हेन यू इक्वेट इट ना, यू विल गेट टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज जीरो एंड दैट इज 1,1, क्योंकि 1,1 इस पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, 0,0 इस पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, तो 0 एंड 1 देयर आर टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो ग्राफ होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, देखना ध्यान से बच्चों, एक ब्लैक वाला बनाया और एक ब्लू वाला बनाया, दोनों में अंतर क्या है, देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, दिस इज 1,0 पॉइंट। अब वीडियो पॉज करके तुम लोग सोचो कि ब्लू वाला करेक्ट, मतलब एक्स रूट एक्स कौन सा है और फोर्थ रूट ऑफ एक्स कौन सा है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि मैंने बोला अभी कि एक बार लिख लेते हैं इसको, रूट एक्स को, एक तो हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ और एक हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। ठीक है, अभी मैंने बोला था क्या कि जीरो से वन के बीच में अगर पावर छोटी होगी तो वो चीज बड़ी होगी, तो कौन सा छोटा है, हाफ छोटा है कि 1/4 छोटा है, 1/4, तो 1/4 का ग्राफ ऊपर आएगा जीरो से वन इंटरवल के लिए, या तो ऐसे चेक कर लो या फिर ऐसे बोल लो कि हम एक काम करते हैं जीरो से बड़ा नंबर इसमें कोई डालते हैं, सो दैट ये क्लीन रिजल्ट आए, तो मैं 16 डाल देता हूं, क्योंकि 16 पे ये भी इसमें भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसमें भी हट जाएगा,
तो 16 पे अब मैं इसकी वैल्यू देखूंगा तो रूट ऑफ 16 कितना आएगा, 4, इधर फोर्थ रूट ऑफ 16 आएगा 2, तो 2 छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है 1 के बाद नीचे आएगा, हेंस द ब्लैक वन इज दिस वन एंड द ब्लू वन इज दिस वन। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं करेक्ट लिखा है कि नहीं हमने। नहीं एक्चुअली वेट अ मिनट। ठीक है, ठीक, क्योंकि हाफ पड़ा है ना तो फ्रैक्शन होगा तो ये नीचे आ जाएगा, ब्लू वाला नीचे दिख रहा है। क्लियर है? तो या तो 0 से 1 के लिए देख लो और या फिर 0 से 1 के बाद देख लो, उधर नेचर चेंज होगा, एक क्रॉस करेंगे एक दूसरे को ग्राफ। ठीक है, तो या तो तुम 0 से 1 के बीच में डिसाइड कर लो कि ब्लू वाला रूट हाफ है तो आगे जाके वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर है बच्चों? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, कि हमें दोनों ग्राफ एक ही स्केल पे प्लॉट करने हैं। ठीक है, चलो अब मैं अगला ले लेता हूं। अभी तो मैंने क्या लिया, ऑड इवन रूट लिया, नाउ आई विल टेक ऑड रूट। तो उससे पहले तुम लोग क्या करो, इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर देता हूं। अब मेरे को लेना है जैसे क्यूब रूट ऑफ एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स एंड सो ऑन। तो मेरे को लेना है, दिस इज फोर्थ वन नाउ। देखो y इज इक्वल टू मुझे चाहिए 1 क्यूब रूट ऑफ x या फिर फिफ्थ रूट ऑफ x एंड सो ऑन या फिर सेवेंथ रूट ऑफ x, ये सब ग्राफ मुझे प्लॉट करने हैं। तो इसका भी जो नेचर होगा वो ग्राफ का क्या होगा, हमारा ऐसा ही होगा। अब एक मिनट के लिए मैंने तुम्हें बोला कि डिसाइड करो कि क्यूब रूट ऑफ x किस किस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, मैं भी बताने जा रहा हूं, तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से प्लॉट करो इस ग्राफ को। ठीक है, चलो अब मैं इसको बताता हूं। इसका जो ग्राफ होगा वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, देखो इवन रूट में तो क्या दिक्कत थी कि हम एक्स नेगेटिव नहीं डाल सकते थे, बट ऑड रूट में क्या होगा, एक्स नेगेटिव डाल सकते हैं। ठीक है ना, ऑड रूट क्यूब रूट ऑफ, जैसे -8 मैंने बोला -8 का क्यूब रूट कितना होता है, -2 होता है, तो डिफाइन होता है। तो अब कैसे डिसाइड करूंगा वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्स किस किस क्वाड्रेंट में आएगा? देखो एक्स पॉजिटिव डालोगे तो वाई पॉजिटिव आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स नेगेटिव डालोगे तो वाई नेगेटिव आ रहा है, हेंस फोर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब अगेन क्या करें, हम जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं कि हम ये तो मैंने क्यूब रूट ऑफ एक्स का बनाया, अब मेरे को फिफ्थ रूट ऑफ एक्स भी बनाना है इसी के अंदर। तो क्या करूं, देखो सबसे पहली बात इंटरसेक्ट कहां करेंगे, ये 3 जगह करेंगे हम, 0 पे 1 पे और -1 पे, दैट यू कैन सी हियर बाय पुटिंग वैल्यूज। 0 पे भी ये ग्राफ 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और -1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों ग्राफ। तो देयर विल बी 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड दो। अब ग्राफ कैसे बनेगा देखना, अगेन सेम चीज कि पावर 0 से 1 के लिए जिसका पावर बड़ा होगा वो नीचे आएगा, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। एक्चुअली थोड़ा सा अपने और अच्छे से क्लीन बनाते हैं, क्योंकि 0 पे हमारा वर्टिकल टेंजेंट आना चाहिए। तो देखो ये तो मेरा ये वाला है, ये बनेगा इधर से स्टार्ट होगा लेकिन ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये भी इधर स्टार्ट ऐसे होगा फिर ऐसे निकल जाएगा। अब देखना, एक ब्लू वाला हो गया एक ब्लैक वाला हो गया, तो ब्लू वाले के लिए क्या हो रहा है कि नीचे आ रहा है 0 से 1 के बीच में, तो नीचे आ रहा है मतलब छोटा है, छोटा कब होगा जब पावर बड़ी होगी, तो ये क्या होगा हमारा एक्स की पावर 1/3 और ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/5। वैल्यू डाल के भी देख लो, जैसे एक्स की वैल्यू मैंने लेट्स से 32 तो नहीं, 5 3 15, 2 की पावर 15 डाला मैंने, क्या डाला, जैसे मेरे पास दो ग्राफ है y इज इक्वल टू x की पावर 1/3 और एक है y इज इक्वल टू x की पावर 1/5, मैंने x इज इक्वल टू 2 की पावर 15 डाला। ऐसा इसलिए डाला 15 क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम है, सो दैट y की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन नहीं आएगी, मतलब फ्रैक्शन मतलब इरेशनल और फ्रैक्शनल टाइप की चीज नहीं आएगी, एक क्लीन रिजल्ट आएगा, क्लीन मतलब एक इंटीजर आएगा। तो इसमें क्या आएगी मेरी वैल्यू, 2 की पावर 15 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 5 32 और इधर जाएगा 2 की पावर 15 की पावर 1/5, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 विच इज 8। तो दिख रहा है 32 बड़ा है, इसका एक्स पावर 1/3 ऊपर आएगा 1 के बाद, दिस इज 1, तो दिख रहा है 1 के बाद ब्लू वाला ऊपर आ रहा है एक्स की पावर 1/3। सिमिलरली कहानी इधर होगी, इधर हमारा क्या है ये -1 के बाद क्या होगा हमारा, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है वो ज्यादा मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा होगा इसका, तो वो और नीचे आएगा, उसके लिए वाई बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? और बाकी चीज वो दोबारा वो भी देख सकते हैं, इसका आगे स्लोप से भी एनालिसिस कर सकते हैं कि जैसे y इज इक्वल टू x की पावर 1/3 है, तो मैंने इसका डिफरेंशिएट किया, dy बाय dx इज इक्वल टू 1/3 टाइम x की पावर 1/3 -1 -2/3।
माइनस टू बाई थ्री विच इज रिटर्न एज वन अपॉन थ्री और x की पावर टू बाई थ्री. दिस इज वॉट स्लोप. अब देख रहे हो जीरो डालूंगा इधर तो क्या हो रहा है वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, तो क्या होगा टेंजेंट जो होगा वर्टिकल टाइप होगा जीरो पे. और इन्फिनिटी डालूंगा तो क्या आ रहा है ये जीरो आ रहा है, तो आगे जाके इन्फिनिटी पे जाके कर्व ये हॉरिजॉन्टल होने वाला है. ठीक है, तो ये एनालिसिस भी जरूरी है dy / dx का. ठीक है, तो ये हो गया हमारे चार ग्राफ कंप्लीट हो गए. अब हम ले लेते हैं फिफ्थ वन. तो तुम लोग इसको कॉपी कर लो, मैं रब कर लू इसको. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. अच्छा, इसके मैंने जनरलाइज और लिख देते, एक्चुअली मैंने ऊपर लिखा नहीं है, इसको और कंप्लीट लिख लो कि n के टर्म, m के टर्म्स में. ये तो मैंने एग्जांपल के टर्म में लिखा, n के टर्म में क्या लिखूंगा मैं, n इज इक्वल टू वन अपॉन टू एम प्लस वन और m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स. तो वन बाय क्यूब रूट ऑफ x आ जाएगा, फिफ्थ रूट ऑफ x आ जाएगा. जैसे m की वैल्यू वन डालूंगा तो क्या आएगा वन बाय थ्री, ये आ जाएगा. m की वैल्यू टू डालूंगा तो क्या आएगा वन बाय फाइव, तो n की वैल्यू वन बाय फाइव. तो ये और एड कर लो, जो अभी लिखा हूं उसमें ये और एड कर लो. ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ. वो होगा हमारा, देखो अब मैं ले रहा हूं डिनोमिनेटर वाले ग्राफ जिसमें x डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो उसके लिए मैं पहले एग्जांपल लिख देता हूं. नेक्स्ट विल बी अवर फिफ्थ कैटेगरी, वो होगा 1 बाय एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन. दिस इज y इज इक्वल टू. तो इधर क्या है, डिनोमिनेटर में x की पावर इवन में है, जो हमारा डिनोमिनेटर में x लिखा है उसकी पावर इवन है डिनोमिनेटर में है. तो इसको मेरे को अब जनरलाइज लिखना है, तो मैं क्या लिखूं, n इज इक्वल टू, देखो डिनोमिनेटर में कब जाएगी, एक तो माइनस और 2m, वेयर माय m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने m की वैल्यू 1 रखी तो m की वैल्यू माइनस टू आई, तो m की वैल्यू माइनस टू रखोगे तो x की पावर माइनस टू इज व्हाट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. m की वैल्यू 2 डाली तो माइनस 4, तो x की पावर माइनस 4 इज 1 अपॉन एक्स की पावर 4. तो ये करेक्ट है, मतलब हमने जो लिखा है अभी. अब हम इसके ग्राफ पे आते हैं. तो सबसे पहले नोटिस करने वाली, चलो हम 1 बाय एक्स स्क्वायर पे आ रहे हैं, 1 बाय एक्स स्क्वायर पे. तो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी इधर, कि जो हमारा जीरो है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ डोमेन. मतलब जीरो पे क्या होगा, ये जो ये कर्व है जो डिफाइन नहीं होगा, फंक्शन y इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो जीरो पे ये कहां जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा. और इंफिनिटी पे ये कैन सी 1 अपॉन इंफिनिटी इज जीरो, तो जीरो की तरफ जाएगा. तो इससे हमारा नेचर क्या आएगा ग्राफ का, देखा मैं इधर बना रहा हूं. The graph will look something like this. ये हो गया. ठीक है, अब हम डिसाइड करें क्या कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा. तो पहले तो मैंने बना दिया फर्स्ट में आएगा, क्योंकि x पॉजिटिव डाला तो y पॉजिटिव आएगा. अब तुम्हें दिख रहा है कि जैसे आगे चल के पढ़ेंगे, दिस इज इवन फंक्शन. इवन फंक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे x जगह 2 डालू तो भी मुझे जो y मिलेगा वही y मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 2 रखने पे. इसका मतलब माइनस 2 पे जो वैल्यू है वही प्लस 2 पे वैल्यू होगी. तो ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ऐसे बोल लो. या फिर ऐसे बोल लो कि 1 बाय एक्स स्क्वायर है तो मेरा दिस इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, तो x एक्सिस के ऊपर ही आएगा. बट इधर मैं x नेगेटिव तो डाल ही सकता हूं, तो x नेगेटिव डाल सकता हूं और y हमेशा पॉजिटिव आएगा. तो ग्राफ हमारा ऐसा कुछ आएगा. ठीक है, अब कर्व ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा इधर वर्टिकल होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे, अगेन वी कैन डिसाइड इट विद स्लोप. तो जैसे स्लोप से कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो दिस इज एक्स की पावर माइनस 2. अब डिफरेंशिएट किया y डैश dy / dx, कितना होगा माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 3, दिस इज माइनस 2 / एक्स क्यूब. और भी चीजें मैं एक आध चीज और एड करूंगा इसमें, देखना भी. डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2 / एक्स क्यूब. तो अब x इज इक्वल टू 0 पे दिख रहा है कितना जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. इन्फिनिटी पे कहा जाएगा, माइनस 2 अपॉन इन्फिनिटी विच इज 0 की तरफ. तो इन्फिनिटी पे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कर्व और 0 पे वर्टिकल होगा, पहली चीज. अच्छा, अब दूसरी चीज, एक और चीज एनालिसिस देखना ध्यान से बच्चों. जब मैंने x पॉजिटिव डालूंगा, व्हेन आई विल पुट x पॉजिटिव, यू कैन सी कि माइनस 2 अपॉन पॉजिटिव क्वांटिटी विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी. तो x पॉजिटिव के लिए क्या हो रहा है, हमारा ग्राफ जो स्लोप हो रहा है ग्राफ का, दैट इज नेगेटिव. इसका मतलब हम किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा. और इसका आगे चल के भी देखेंगे, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग. और वो दिख भी रहा है कि अगर मैं x बढ़ा रहा हूं तो y मेरा घट रहा है. जैसे मैंने x इक्वल टू 1 पे वैल्यू देखी तो ये आ रही है, फिर 2 पे देखी वैल्यू आगे बढ़ा तो वैल्यू और छोटी हो गई. तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, एक चीज और एनालिसिस एक्स्ट्रा हो गया इसका कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग. क्यों, क्योंकि x पॉजिटिव डाल रहा हूं तो डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है. अब देख रहा है टेंजेंट जो डालूंगा मैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, दे आर ऑल मेकिंग ऑब्ट्यूस एंगल विद x पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. ठीक है, उसी प्रकार इधर बोल सकते हो, इधर मैं x नेगेटिव डालूंगा तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो इधर जो आएगा वो स्लोप हमारा पॉजिटिव आएगा.
एक्यूट एंगल बनाएगा, इधर फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, एक्स बढ़ाऊंगा तो वाई बढ़ेगा। क्लियर हो बच्चों? अच्छा, अब इसमें भी हम क्या करें, एक काम करते हैं, इसमें हम दोनों स्केल बना लेते हैं, दोनों ग्राफ एक ही स्केल पे बना लेते हैं। तुम क्या करो, एक बार खुद से ट्राई करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो को पॉज करो और इन दोनों को सेम स्केल पे प्लॉट करो। मैं इसको रब कर देता हूं। योर टारगेट इज टू ड्रॉ दीज टू इन द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैंने बोला 1/x² एंड 1/x^4। तो पहले मैं एक ग्राफ बना लेता हूं कोई भी। अच्छा, उससे पहले मैं क्या करूं, पहले वो देख लेते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या आ रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है जब ये दोनों बराबर होने हैं, वो दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 1/x² इज इक्वल टू 1/x^4। तो इधर से x² इज इक्वल टू x^4, इधर से आएगा x² इंटू x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0, 1, -1, मतलब तीन जगह ये इंटरसेक्ट करने वाला है, तीन जगह ये इंटरसेक्ट। एक मिनट को, इक्वेट किया। अच्छा सॉरी, ये जीरो तो हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि जीरो तो डोमेन का पार्ट नहीं है, इसका मतलब दो ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। सॉरी, ठीक है, इट विल इंटरसेक्ट एट ओनली टू पॉइंट, दैट इज +1 and -1। एक्स इज इक्वल टू +1 पे और -1 पे। तो देख लेते हैं हम। तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ कोई भी एक ग्राफ। तो मैंने मान लिया ये है, दिस इज वन ऑफ द ग्राफ। अब मैंने बोला दूसरा ग्राफ बनाओ इसी स्केल पे, ठीक है। तो तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं एनालिसिस करता हूं इसका, देखना। वन पे तो ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करने वाले हैं, तो एक ब्रांच के लिए बना लेते हैं, बाकी सिमेट्री से हम बोलेंगे कि इवन फंक्शन है तो ग्राफ सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अभी के लिए नहीं बोलना, उससे उस पॉइंट को यूज नहीं करना है, तो बिना उसके भी हो जाएगा। फर्स्ट लेट मी ड्रॉ फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखना। अब क्लियर दिख रहा है कि अगर मैं एक्स की वैल्यू अगर बढ़ाऊंगा तो क्या चीज बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, घटेगा। मतलब अगर जैसे वन पे, वन के बाद लेट से मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूं, चलो टू पे निकालते हैं, ठीक है ना। तो टू पे ये क्या होगा, 1/4, और ये क्या होगा, 1/16। तो 1/4 बढ़ाया कि 1/16 बढ़ाया, 1/4। तो 1/4 बढ़ाया, इसका मतलब क्या है, चलो मैं एक काम करता हूं, पहले ग्राफ बना लेता हूं, उसके बाद हम दोनों में से डिसाइड करेंगे दोनों में से कौन सा क्या है। एक तो ये हो गया सिनेरियो, और एक हमारा ये सिनेरियो हो गया, ब्लैक वन एंड ब्लू वन। देखो ब्लैक, ये तो इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, 1, 1 पे, एक्स इज इक्वल टू 1 पे, और इधर हो गया -1। इन दो पॉइंट पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मुझे डिसाइड करना है कि 1/x² कौन सा है और 1/x^4 कौन सा है। तो मैंने क्या बोला कि जैसे मैंने एक्स की वैल्यू अगर 2 डाली, तो ये 1/4 आ रहा है, ये 1/16 आ रहा है, तो 1/4 बढ़ा है, तो 1/4 बढ़ा है मतलब 1/x² ऊपर आएगा। हाँ, 1/x² ऊपर आएगा, तो इसका मतलब दिस इज 1/x² एंड दिस विल बी 1/x^4। क्लियर है बच्चों? तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है। अब मैं लूंगा डिनोमिनेटर में x^odd के लिए क्या करूंगा, अभी तक क्या लिखा था, -2m लिखा था, अब मैं odd के लिए क्या करूंगा, -2m+1। देखना ध्यान से बच्चों, -2m+1, वेयर माई m बिलोंग्स टू i। एक काम करो, इधर देखो, 2m-1 लिख लो, रीजन बताऊंगा मैं क्यों। अगर मैंने i प्लस लिखा तो इधर ये क्या होगा, 1 आएगा। अगर मान लो i प्लस लिखा, 1 मैंने डाला इधर, तो क्या आएगा, 2-1, 1। तो ये -1, तो x^-1 उसका भी ग्राफ है, तो ग्राफ क्या होगा, 1 y = किसका हो जाएगा, 1/x का। फिर मैंने m की जगह 2 डाला, तो 2^4-1, 3 ये हो जाएगा 1/x³, एंड सो ऑन। इसलिए मैंने 2m-1 लिखा, क्यों, मैं पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्ट कर रहा हूं, और मुझे ये भी कवर करना है, क्योंकि अगर मान लेते 2m+1 लिखता मैं, तो मैं पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिखता, फिर मैं पॉजिटिव इंटीजर प्लस 0 भी लिखना पड़ता अलग से। तो उससे बेटर रहा मैंने क्या लिखा, 2m-1 लिख दिया, सो दैट 1/x भी कवर हो गया, क्योंकि वो भी इसमें फॉल होगा। अब ये वाला ग्राफ तो तुम्हें पता है, ये वाला ग्राफ तुम्हें पता है, याद करो कोऑर्डिनेट एक्सिस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद है। तो xy = c², तो ये xy = 1 तो लिखा है, तो इसका ग्राफ तो हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, ऐसा आता है कुछ, तो यह आया और यह आया। अगर मान लो नहीं पता होता तो हम पहले ऐसे बोलते हैं, जैसे अभी तक बोलते हैं कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे, x पॉजिटिव डालेंगे तो y पॉजिटिव आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव डालेंगे तो y नेगेटिव आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट तो डिसाइड होगा कि हाँ इसमें और इसमें आएगा। अब और फर्दर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, स्लोप से एनालिसिस कर सकते हैं। इसका स्लोप कितना होगा, dy/dx, इसका अगर मैंने निकाला dy/dx तो कितना आएगा, -1/x²,
तो देख रहा है x इज इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, तो वर्टिकल टेंजेंट, और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, जीरो, हैंस हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, मतलब कर्व आगे जाके हॉरिजॉन्टल होने वाला है। इस टाइप की थोड़ी बहुत चीजें एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद इसमें हम और क्या देख सकते हैं, हाँ अब हम क्या करते हैं, दोनों को प्लॉट करते हैं 1/x और 1/x³ को इन द सेम स्केल। ठीक है, पहले तुम लोग वीडियो पॉज करके खुद से प्लॉट करो, क्या क्या बोला मैंने, 1/x और 1/x³ सेम इसी में प्लॉट करो। तो जैसे कि अभी बताया था सेम वही लॉजिक है, मैंने क्या करूंगा, ये दोनों का इंटरसेक्ट करेंगे जीरो और सॉरी वन और माइनस वन पे, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, एक तो ये होगा और एक हमारा हो जाएगा ठीक है, इंटरसेक्ट कहां करेंगे, दिस विल बी 1, 0 एंड दिस विल बी -1, 0। अब अगेन सेम चीज, अगर x की वैल्यू 2 रखी मैंने तो इधर क्या आ गया 1/2, इधर 1/8, तो 1/2 बड़ा है, तो 1/2 बड़ा है मतलब ये ऊपर आएगा इसका ग्राफ, कब 1 के बाद, तो दिस विल बी बेसिकली 1/x, और जो ब्लू वाला है, जो ब्लू वाला है दैट इज बेसिकली 1/x³, ठीक है ना, 1/x³। ठीक है बच्चों, चलो तो ये हो गया हमारा, ये हमारा एक्चुअली क्या था, सिक्स्थ वन था, ठीक है ना, ये हमारा सिक्स्थ वन था जिसमें हमने ऑड पावर ली डिनोमिनेटर में। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो, अब मैं नेक्स्ट के मुद्र मूव करता हूं। अब दो दो ग्राफ, दो कैटेगरी और बची है इसी के अंदर, तो उसको पहले मैं एग्जांपल लिखता हूं, फिर हम जनरलाइज करेंगे कि एन की वैल्यू क्या लूं। तो अब मेरे को बनाना है ग्राफ जो है दैट विल बी सेवेंथ वन, और मुझे बनाना है 1/√x, 1/4√x, 1/6√x एंड सो ऑन। ठीक है, चलो अब इसको डिसाइड करते हैं। तो देखना बच्चों, सबसे पहली बात क्या, जीरो तो आएगा ही नहीं। अच्छा, अब जीरो नहीं आएगा वो तो क्लियर हो गया। अब हम क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं, तो लेट से पहले मैं इस वाले पे फोकस कर रहा हूं 1/√x पे। तो यू कैन सी कि जो हमारा एक्स है वो हमें, इसका जो डोमेन की बात करें हम, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वाई एक्सिस के राइट में आएगा, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट और फोर्थ में डिसाइड करने के लिए क्या करें, वाई पे फोकस करते, तो वाई इज व्हाट, 1/√x व्हिच इज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, √ एनीथिंग इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, हेंस इसका ग्राफ क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आएगा कैसा आएगा वो देखो इधर, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, दैट्स इट, इतना सही आएगा ग्राफ, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो इसकी पहला वाला था उसी टाइप का है, उधर एक्स स्क्वायर था तो इस साइड भी आ रहा था, बट इधर मैं एक्स नेगेटिव नहीं डाल सकता, तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, तो इसको मैं एक मिनट जनरलाइज और लिख देता हूं, क्या लिखूंगा जनरलाइज, एन की वैल्यू क्या लू मैं, देखो ध्यान से, -1/2m, एक बार रख के देख लो, -1/2m, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एम की वैल्यू 1 रखी, तो इधर और लिख लो एम बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, एम की वैल्यू 1 लिखी तो एम की वैल्यू कितनी है, -1/2, एक्स की पावर 1/-1/2 क्या होगा, 1/x की पावर 1/2, तो 1/√x, एम की वैल्यू अगर मैंने 2 रखी तो -1/4, तो ये कितना है, एक्स की पावर -1/4, मतलब 1/x की पावर 1/4, तो ये हो गया, तो ये जनरलाइज हो गया इसका। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक ही लाइन पे प्लॉट करूंगा जैसे पहले करते आ रहे हैं, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, एंड यू विल फाइंड, यू विल गेट 1, 1, x इज इक्वल टू 1 पे ये दोनों सेम आ रहे हैं वैल्यू, ये दोनों ग्राफ x इज इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ग्राफ हमारा होगा, देखना ध्यान से बच्चों, पहले 1 पे ये बार ऊपर आएगा फिर ये नीचे चला जाएगा। अब कौन सा क्या होगा उसके लिए क्या करें, हम वैल्यू रख के देख लेते हैं, जैसे इन दोनों में रखना है तो मैंने क्या रखा, x इज इक्वल टू 16 रखा, 16 में इसलिए रख रहा हूं जिससे फ्रैक्शन वगैरह या इरेशनल आए, तो 16 रखूंगा तो ये क्या है, 1/√16 इज 1/4 और ये 1/2, तो 1/2 बड़ा है, 1/2 बड़ा है, इसका मतलब 1 के बाद जो ग्राफ ऊपर है वो हमारा ये है, और तो ये ब्लू वाला हो गया, तो ब्लैक वाला क्या हो गया, 1/√x। क्लियर हुआ बच्चों, कैसे डिसाइड किया, अगर मान लो तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है ना ऊपर नीचे कौन सा कब आ रहा है, एक चीज तो देखो बेस्ट तरीका तो क्या होता है, देखो मतलब गलती ना हो उसके लिए तो क्या करो तुम, बेटर है कि वैल्यू डाल लो, बट लॉजिकली अगर मैं बोलूं तो फिर वैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई फ्रैक्शन होता है तो उसकी पावर अगर बड़ी होती है तो वो और छोटा हो जाता है, एक तो वो लॉजिक से, या फिर बेटर तरीका क्या है, सबसे ज्यादा कभी दिक्कत होगी नहीं, तुम लोग वैल्यू डाल के देखो एक, ठीक है, अभी तुम्हें दिक्कत हो रही होगी थोड़ी बहुत, बट एक बार हम फ्लुएंट हो जाएंगे ना ग्राफ में तो ये टेस्ट पे हो जाएंगे तुम्हारे ग्राफ, ये जितने भी मैं 8 ग्राफ बता रहा हूँ ये 7 आया उसमें, ठीक है ना। चलो तो इसको कॉपी कर लो तुम लोग, मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखना,
अब मेरे को लेना है एक और क्या बचा, तो शायद तुम लोगों को भी आइडिया लग गया होगा, मैं क्या लूंगा ऑड रूट लूंगा डिनोमिनेटर में। तो ग्राफ विल, अब मैं जब एट वाला ग्राफ बता रहा हूं, दैट विल बी y इज इक्वल टू वन अपॉन क्यूब रूट ऑफ x, वन अपॉन फिफ्थ रूट ऑफ x एंड सो ऑन। तो इसके लिए मैं क्या करूं, देखो मैं क्या ले रहा हूं, यहां से देखना बच्चों, n इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू एम प्लस वन, एम बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अब देखना इसका ग्राफ, इसका ग्राफ जो होगा हमारा वो वैसे ही बनेगा जो वन अपॉन एक्स क्यूब का बना था, इट इज समथिंग लाइक दिस। पहली बात तो क्या है कि जीरो रख नहीं सकते, तो जीरो पे तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, तो जीरो पे दिख रहा है ये ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है दोनों साइड, पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी। तो एक तो ये चीज, उसके बाद फिर क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए क्या, एक्स पॉजिटिव डालेंगे तो वाई पॉजिटिव आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव डालेंगे वाई नेगेटिव आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट। और फिर नेचर ऑफ द ग्राफ कैसे पता चलेगा, जीरो पे इसका डेरिवेटिव देख लो, तो यू विल सी कि जीरो पे जो आएगा इसका डेरिवेटिव, चलो निकाल लेते हैं, दिस इज एक्स की पावर वन माइनस वन बाय थ्री, दिस इज वाई, तो वाई डैश दैट इज डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा, माइनस वन बाय थ्री एक्स की पावर माइनस फोर बाय थ्री, विच इज माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर बाय थ्री। तो दिख रहा है अगर एक्स की अगर जीरो डाला तो दिस विल बी वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, तो वर्टिकल टेंजेंट आएगा जीरो पे कर्व पे, और एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी विच इज अप्रोचिंग टू जीरो, hence horizontal tangent आएगा infinity पे। तो नेचर तो ऐसे ही होगा, यहां ये फ्लैट हो जाएगा आगे जाके और इधर ये वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा इसका, अब हम क्या करें, जो जैसे कि अभी तक करते आ रहे हैं हर बार, इन दोनों को हम एक ही स्केल पे प्लॉट करेंगे। तो एक का एक साइड का कर लेते हैं सिमेट्रिक, सम इस साइड का बोल देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, पहले तो बना लिया कि इतना पता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन वन पे आ रहा है, एक्स इजिकल टू वन पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वन पे तो एक वन तक तो एक ग्राफ ऊपर रहेगा, उसके बाद वो वाला ग्राफ नीचे चले जाएगा। अब कौन सा कब होगा उसके लिए क्या बताया मैंने, वैल्यू रख के देख लो। तो जैसे अब इधर क्यूब रूट है इधर फिफ्थ रूट है, तो मैं एक काम करता हूँ एक्स इज इक्वल टू टू की पावर फिफ्टीन डालता हूँ अगेन, तो इधर डालूंगा तो क्या आएगा वन अपॉन टू की पावर फाइव, इधर वन अपॉन टू की पावर थ्री, तो ये बड़ा है, ये बड़ा है इसका मतलब ये ऊपर आएगा, तो ब्लैक वन इज वॉट वन अपॉन एक्स की पावर वन बाय फाइव, और अगर ब्लैक वाला ये है तो ब्लू वाला हमारा क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स की पावर वन बाय थ्री। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। तो जो भी मैंने ये आठ ग्राफ बताए हैं तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब फास्ट कैलकुलेशन के लिए। देखो क्या होता है कि जैसे ये जो ग्राफ मैंने बताया, ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हार्ड है, तुम कैसे मतलब हम रटने की क्या जरूरत है, इसका बेनिफिट ये होगा कि देखो जो मैंने एनालिसिस बताया ना, अभी हम जब चैप्टर काफी आगे बढ़ेगा तो ये एनालिसिस तो तुम इस बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन हमें क्या चाहिए कि जो ग्राफ पढ़ा ना एकदम टिप्स में होना चाहिए, सो देट हमारा टाइम उधर कंज्यूम ना हो ज्यादा। देखो एनालिसिस करके तो तुम एग्जाम में भी ड्रॉ करोगे, तो तुमने 30 सेकंड एनालिसिस 3 सेकंड में बनाया, हमें चाहिए कि वो 5 सेकंड में बन जाए, ठीक है ना, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो जो भी ग्राफ बता रहा हूं दैट शुड बी ऑन टिप्स। अब क्या कर लेते हैं, हम एक बार समराइज कर लेते हैं आठ के आठ एक ही पेज पे, तुम लोग भी करना है, ठीक है, तुम लोगों को भी एक ही पेज पे एक समरी लिख लेना आठों की ग्राफ की, जैसे मैं बता रहा हूं एक मैं एग्जाम्पल लिखूंगा जैसे, और उसके आगे उसका ग्राफ, वो तुम लोगों को एक पेज पे बनाना है, तो दैट जो भी अभी तक लिखा हमने आठ ग्राफ वो एक पेज पे आ जाएंगे, तो रिविजन करने में आसानी होगी। तो मैंने क्या बोला, तुम लोग एक ही पेज पे आठों के आठों ग्राफ बनाओ, और सबसे लोएस्ट वाला बनाओ, जैसे जैसे हम एक्स स्क्वायर चल रहा था, एक्स बार फोर बनाने की जरूरत नहीं, केवल एक्स स्क्वायर बनाओ, फिर एक्स क्यूब बनाओ, फिर रूट एक्स बनाओ, क्यूब रूट ऑफ एक्स बनाओ, फिर वन अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर वन अपॉन एक्स क्यूब, फिर वन अपॉन रूट एक्स, वन अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स, एक सेम पेज बनाओ, मैं इधर बना देता हूं एक बार। तो पहला वाला वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ होगा हमारा छोटा से मैं बनाना, फास्ट प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा, एक बार खुद से बना लो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर सेकंड वन इज वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका ग्राफ हो जाएगा हमारा ऐसा, ठीक है ना। फिर थर्ड वन हो जाएगा वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, इसका ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, पैराबोला, याद रखेंगे केवल फर्स्ट क्वार्टर में आएगा, एक्स पॉजिटिव है केवल और वाई भी पॉजिटिव है। फोर्थ वन वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, यही वाला पार्ट रहेगा बस इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन y इज इक्वल टू वन बाय एक्स स्क्वायर, तो वन बाय एक्स स्क्वायर कैसे याद रखेंगे, वो कि जीरो पे ये डिफाइन नहीं होता, तो इस टाइप की कुछ कर्व आता है, और खुद से जनरेट कर लो खुद के मेथड कि कैसे मेमोराइज करें, ठीक है ना। कुछ भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक ग्राफ की कुछ खासियत देखो, उस पॉइंट से उसको मेमोराइज करो। फिर y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स क्यूब, इसमें क्या होगा वन बाय एक्स, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप। फिर आता हमारा सेकंड लास्ट y इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एक्स, तो इसका ग्राफ क्या होगा हमारा, यही रहेगा और इसमें एक ही क्वाड्रेंट में आएगा केवल,
याद कर सकेंगे जीरो पे अनडिफाइंड है, जीरो पे वाई एक्सिस इज टेंजेंट। एंड लास्टली जो ग्राफ है वाई इज इक्वल टू वन अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसका ग्राफ क्या होगा वन अपॉन एक्स क्यूब टाइप होगा, ऐसे याद रख लो। तो ये हो गया हमारा, तो ये तुम्हारा एक ही पेज पे सारे ग्राफ बन जाएंगे, ठीक है। तुम्हें बनाना है, ऐसा नहीं करना है कि जो लिखा हुआ है पहले, एक ही पेज पे ये आटो के आटो ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो इसको बना लो, मैं इसको रब करता हूं, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। हाँ, तो अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें हम छह ग्राफ देखने वाले हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना, मोस्टली सभी को पता होगा, बट फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। और प्लस हमने जो टर्मिनोलॉजीज उधर देखी थी इससे पहले वाले लेक्चर्स में, तो उसको हम इधर लिख लेंगे, वो मतलब रेंज क्या है, डोमेन क्या है, रूट्स वगैरह एंड सो ऑन। तो लेट्स स्टार्ट विद इट, y इज इक्वल टू sin x। तो जैसे कि हम लोगों को इसका ग्राफ पता है, ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। एंड सो ऑन, ये ग्राफ क्या है, पीरियोडिक ग्राफ है। और ये जो हम इसको स्केल ऑफ कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस वन एंड दिस इज माइनस वन, ठीक है। अच्छा, और ये जो मेरा है दिस इज जीरो, दिस इज पाई, दिस इज टू पाई एंड हियर इट इज माइनस पाई, इट इज माइनस टू पाई, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया मेरा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का, दिस इज माई एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसके बारे में हम जो भी हम उधर देखे थे टर्मिनोलॉजी वो लिख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आते हैं हम इसके डोमेन पे। तो डोमेन को क्या बताया था मैं कि अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स का कंप्लीट सेट। तो साइन एक्स में मैं एक्स कुछ भी रियल रख सकता हूं, एक्स इट इज ऑलवेज डिफाइंड। या फिर ऐसे बोल लो कि ग्राफ का प्रोजेक्शन और एक्स एक्सिस दिख रहा है, अगर मैंने प्रोजेक्शन लिया ग्राफ का एक्स एक्सिस पे तो पूरी एक्स एक्सिस कवर हो जाएगी, हेंस द डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, दैट इज आर। फिर आते हैं हम रेंज पे। तो रेंज के लिए क्या बोला था, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो नाउ यू कैन सी कि अगर मैंने प्रोजेक्शन लिया वाई एक्सिस पे इस ग्राफ का, दैट तो कितना कवर होगा, देखो मैं शेड कर देता हूं, वाला पार्ट कवर होगा। सो इट विल दिस मच रीजन विल बी कवर्ड, देखो शेड कर रहा हूं, दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। सो दिस इज व्हाट, माइनस वन से वन क्लोज, सो रेंज इज माइनस वन से वन क्लोज, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम रूट्स पे। तो रूट्स क्या बोला था मैंने, डेफिनेशन क्या थी रूट्स की, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए मेरा वाई जीरो हो रहा हो। तो साइन एक्स जीरो कब होता है, जब मैं इसमें पाई डालू, टू पाई डालू, थ्री पाई डालू, इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। या फिर ग्राफ से भी देख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विद एक्स एक्सिस। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, जीरो पे कट कर रहा है, पाई पे, टू पाई, सो ऑल दीज आर रूट्स। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीगर, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव कुछ भी डाल लो, ये पाई का मल्टीपल आएगा, पाई के मल्टीपल क्या है, रूट्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं एफ मैक्स। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी इस रेंज का, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, वन, हेंस द मैक्स मैक्स इज वन। एफ मिनिमम, सबसे छोटे एलिमेंट क्या है रेंज का, माइनस वन, हेंस द वैल्यू इज माइनस वन। फिर आते हैं हम इस पे लोअर बाउंड, क्या ये लोअर बाउंड है, हाँ है लोअर बाउंड, एंड द वैल्यू ऑफ लोअर बाउंड इज माइनस वन। क्या ये अपर बाउंड है, हाँ ये अपर बाउंड है, वैल्यू क्या अपर बाउंड की, प्लस वन। एंड इन बोथ द केसेस प्लस वन एंड माइनस वन बोथ आर टेकन बाय द फंक्शन, ठीक है ना, क्योंकि वो क्लोज ब्रैकेट है, इसलिए मैंने इसको क्या बोलूंगा कि प्लस वन एंड माइनस वन बोथ आर टेकन बाय द फंक्शन। उसके बाद अगर लोअर बाउंड है और अपर बाउंड है तो मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन इज बाउंडेड, ओवरऑल द फंक्शन इज बाउंडेड। और फिर मैं बोलूंगा एसिम्प्टोट के ऊपर, एसिम्प्टोट है क्या कोई, नहीं एसिम्प्टोट कोई नहीं है, ये ग्राफ ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर लाइन को अप्रोच कर रहा है इंडेफिनेटली, नहीं, देयर इज नो एसिम्प्टोट। एंड लास्टली पीरियोडिक है क्या, तो क्या ग्राफ रिपीट कर रहा है, हाँ रिपीट कर रहा है, किस इंटरवल से रिपीट कर रहा है, टू पाई से, तो फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू टू पाई। तो इतना मिनिमम डाटा हमें इसके लिए याद होना चाहिए, ऐसा ही डाटा हम अगले नेक्स्ट फाइव ग्राफ के लिए करेंगे, ठीक है। ड्रिफ्ट में होना चाहिए साइंस का पीरियड क्या है, क्या क्या बोलते हैं उसके रेंज क्या है, डोमेन क्या है, ठीक है ना, और पीरियोडिक है तो किस पीरियड से पीरियड क्या है उसका, फंडामेंटल पीरियड क्या है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो तुम लोग क्या करो, वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करो, अब हम पाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट ग्राफ इज ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स।
तो कॉसेक्स का ग्राफ भी हम बहुत बार यूज किए हैं अभी तक 11th क्लास में, ठीक है ना। तो कॉसेक्स का, और मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक में ही बताया था, तो इसका ग्राफ क्या होता है, जो साइन का ग्राफ होता है उसी को हम शिफ्ट कर देते हैं पाई बाय 2 से, ठीक है। तो मैंने शिफ्टेड ग्राफ विद पाई बाय 2, तो ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस, दिस वन साइकिल, दिस इज अनदर साइकिल, ऐसे रिपीट करता रहेगा ये ग्राफ। तो थोड़ा सा ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स, तो ये लिख लिया वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, ये वैल्यू जीरो है, दिस इज व्हाट, कहां जीरो होता है कॉस एक्स, पाई बाय 2 पे, तो पाई बाय 2 पे, उसके बाद फिर क्या होगा, 3 पाई बाय 2 पे, फिर दिस वैल्यू विल बी 2 पाई, एंड हियर इट इज माइनस पाई बाय 2, दिस इज माइनस 3 पाई बाय 2, एंड दिस इज माइनस 2 पाई, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस 1, मिनिमम वैल्यू इज माइनस 1। तो दिस इज ग्राफ ऑफ y = cos x। अब अगेन वही डाटा सेम लिख लेते हैं हम, तो पहला आएगा डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, x की वो वैल्यू जिसके लिए डिफाइन है, तो cos x हमेशा डिफाइन होता है, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन x एक्सिस, तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज। फिर आते हैं रेंज पे, रेंज इज अगेन सेम है sin x वाला रेंज, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ y ग्राफ ऑन y एक्सिस, विच इज माइनस 1 से 1। फिर आते हैं इसके रूट्स पे, दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, रूट्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, रूट्स मतलब cos x जीरो कब होता है, किस x के लिए होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 ऐसे बोल लो, या फिर ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट, तो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो इसको क्या लिखूंगा, ऑड मल्टीपल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, वेयर माई एन बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो प्रॉपर लिखना प्रूफ पूरा, इतना 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 लिख के नहीं छोड़ना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, n क्या है हमें वो तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अब n तुमने हाफ डाल दिया तो गलत हो जाएगा ना, n शुड बी इंटीजर। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें रूट्स हो गया f max, तो रेंज का सबसे हाईएस्ट एलिमेंट कितना है, प्लस 1, तो f max इज प्लस 1, f मिनिमम इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ रेंज विच इज माइनस 1, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम आते हैं हमारे बाउंडेड पे, तो लोअर बाउंड है क्या, हाँ है, लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, अपर बाउंड है क्या, बिल्कुल है, अपर बाउंड की वैल्यू कितनी है, प्लस 1, एंड बोथ द वैल्यूज आर टेकन बाय द फंक्शन, तो ओवरऑल द फंक्शन इज बाउंडेड। एसिम्प्टोट है क्या, एसिम्प्टोट नहीं है, कोई भी एसिम्प्टोट नहीं है इसमें। लास्टली पीरियोडिक है क्या, हाँ पीरियोडिक है, फंडामेंटल पीरियड कितना है, 2 पाई, तो 2 पाई के बाद ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये डाटा तो एक्जैक्टली सेम है जैसे हमने साइन एक्स के लिए लिखा था, ठीक है, बस ग्राफ क्या हो गया, थोड़ा शिफ्ट हो गया बस पाई बाय 2 से, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं, दैट इज वाई इज इक्वल टू टैन एक्स। अब थोड़ा नया चीज सीखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अलग ग्राफ होगा, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स तो क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, तो अभी तक तो तुम्हें लगा होगा कि सब ये सब चीज पता है। अब हम टैन एक्स के ग्राफ के बारे में आते हैं, तो इसको ड्रॉप कर देता हूं मैं, वाई इज इक्वल टू टैन ऑफ एक्स, तो देखते हैं इसको, वाई इज इक्वल टू टैन ऑफ एक्स, तो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद हम वो सारे डाटा लिख लेंगे। तो इसका ग्राफ जो होगा, देखो जीरो का वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो यहां से स्टार्ट होगा, और इसका ग्राफ जो है वो ऐसा जाएगा, ये डेड डैश लाइन जो मैं बना रहा हूं, दैट इज एसिम्प्टोट एक्चुअली, ठीक है। अब क्या करेगा ये ग्राफ, रिपीट करेगा, तो रिपीट करेगा तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, एकदम टेस्ट पे होना चाहिए सारे ग्राफ, जितने भी बार बार रिपीट कर रहा हूं, ग्राफ को रटना है समझ के वो भी, एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इज ग्राफ ऑफ y = tan x, अब स्केल कर देते हैं हम इसको, ये जीरो है, ये पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई बाय 2 है, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2, ठीक है, एंड सो ऑन, दिस इज माइनस पाई एंड माइनस 3 पाई बाय 2। अच्छा, अब इसके बारे में सबसे पहली चीज, इसके डोमेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डोमेन क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए डिफाइन है, तो अब टेन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन एक्स कैन बी रिटन एज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये चीज अनडिफाइंड कब होगी, जब इसका डिनोमिनेटर जीरो होगा, डिनोमिनेटर जीरो मतलब कॉस एक्स जीरो, और कॉस एक्स जीरो कब होता है, कॉस एक्स जीरो कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इससे पहले देखा हमने, तो एक्स की वैल्यू में इसमें एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 कुछ भी रख सकता हूं, तो डोमेन क्या हो गया, आर डोमेन इज इधर लिख लेते हैं, आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2,
उसके बाद आते हैं रेंज पे। तो यू कैन सी कि रेंज क्या आ रही है हमारी, प्रोजेक्शन आ रहा है ग्राफ का ऑन वाई एक्सिस, व्हिच इज नथिंग बट इट इज कवरिंग ऑल वाई एक्सिस, पूरा वाई एक्सिस कवर हो रहा है, इसका मतलब रेंज क्या हो गया हमारा, ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज। उसके बाद आते हैं रूट्स पे, तो रूट्स क्या बोला था, रूट्स इज व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच एक्सप्रेशन इज जीरो। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, जब न्यूमरेटर जीरो होगा, न्यूमरेटर में क्या लिखा है साइन एक्स, और साइन एक्स जीरो कब होता है मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो रूट क्या हो जाएंगे हमारे मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएंगे, तो वैसे जीरो पाई दिख रहा है तुम्हें, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं ग्राफ का पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विद एक्स एक्सिस, सॉरी या विद एक्स एक्सिस, तो जीरो पाई माइनस पाई, तो इसको मैं जनरलाइज कैसे लिखूं, रूट्स आर एन पाई, फिर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव डाल लो चाहे नेगेटिव डाल लो। चलो ये हो गया हमारा रूट्स, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, रूट्स हो गया। एफ मैक्स अगेन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि रेंज आर है मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, तो उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली एफ मिनिमम क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। लोअर बाउंड है क्या, नहीं लोअर बाउंड भी नहीं है क्योंकि ये माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। अपर बाउंड है क्या, नहीं वो भी क्योंकि ये प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, तो अपर बाउंड भी नहीं है, अपर बाउंड भी नहीं है, तो ओवरऑल अनबाउंडेड। अब आते मेन चीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, एसिम्प्टोट, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पर फोकस करते हैं। एसिम्प्टोट मैंने क्या बताया था, वो एसिम्प्टोट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है जिसको हमारा ग्राफ इंडेफिनेटली अप्रोच करता जाता है, मतलब इंडेफिनेटली मतलब निरंतर रुकता ही नहीं है, क्योंकि हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो या फिर एक और चीज क्या बोला था, ग्राफ जो है वो अपना एसिम्प्टोट को इंफिनिटी में जाके टच करता है। तो यू कैन सी कि ये जो ब्रांच, लाइक मैं इस ब्रांच को फोकस कर रहा हूं, तो ये ब्रांच इस लाइन को कभी इसके हमेशा नजदीक जाती जा रही है लेकिन कभी टच नहीं कर पा रही, सो दिस इज माई एसिम्प्टोट। सिमिलरली दिस इज माई एसिम्प्टोट, तो इस ग्राफ में इनफाइनाइट एसिम्प्टोट्स हैं। तो एसिम्प्टोट एक तो ये है, अब ये वर्टिकल लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x = π/2, इसकी x = 3π/2, इसकी x = -π/2। तो अब मेरे को जनरलाइज लिखना है एसिम्प्टोट, जनरलाइज लिखना है, तो मैं क्या लिखूं, x = क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो ऑड मल्टीपल को कैसे लिखूंगा, 2n + 1 * π/2। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारा कुछ बचता है, हाँ पीरियोडिक, वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियोडिक है क्या, हाँ पीरियोडिक है, इसका पीरियड क्या है, पाई, फंडामेंटल पीरियड, क्योंकि पाई के बाद ये रिपीट कर रहा है, इतना पार्ट मुझे दे देगा कोई तो इसी को मैं आगे शिफ्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा, फिर इसको शिफ्ट कर दूंगा तो वो आ जाएगा, तो इतना मिनिमम पार्ट चाहिए मुझे पूरा ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, हेंस दिस इज पीरियोडिक एंड फंडामेंटल पीरियड इज पाई, ठीक है। अच्छा इस वजह से एक आध चीज और एनालिसिस कर सकते हैं, ये तो हमने देख लिया, एक आध हम डेरिवेटिव से भी कुछ कुछ पार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे इसका लिख लो, अगर लिखना है तो y = 10x का डेरिवेटिव, एंड आई होप पता भी होगा बहुत से बच्चों को क्या होता है, y डैश dy/dx sec square x। अब दिख रहा है ये sec square x जो है ये तो एक नॉन नेगेटिव वैल्यू है, मतलब sec square x नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्लोप हमेशा 0 से बड़ा है, 0 या 0 से, इसका मतलब ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यू कैन सी कि इस ग्राफ पे कहीं भी तुम टेंजेंट ड्रॉ करो किसी भी पॉइंट पे, दैट टेंजेंट विल डेफिनेटली मेक एक्यूट एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या बोला मैंने, इस जैसे मैंने ये पॉइंट लिया तो इस पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करो तो देखोगे ये एक्यूट क्या है, ये थीटा जो है एक्यूट है किसी भी पॉइंट पे, चलो इस ब्रांच पे बना लो, तो इस ब्रांच पे मैंने टेंजेंट बनाया तो अगेन दिस थीटा विल बी एक्यूट एंगल, क्योंकि क्या है हमारा डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। अभी इसके बाद हम जैसे कॉटेक्स का देखेंगे उसमें हमारा जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, विच इज ऑलवेज नेगेटिव, तो वो फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग होता है, ये फंक्शन क्या हमेशा इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। एक तो पीरियोडिक है, इस इंटरवल के लिए देखेंगे हम, बाकी इसको शिफ्ट करेंगे और इंक्रीजिंग है, थोड़ा एक्स बढ़ाएंगे तो वाई बढ़ेगा, दिख भी रहा है अगर मैं एक्स बढ़ा रहा हूं तो वाई बढ़ रहा है, ठीक है। चलो और इसके बारे में इतना काफी है, ठीक है। और जैसे एक चीज और बोल सकते, जैसे जीरो पे एक्स इक्वल टू जीरो पे इसका स्लोप कितना हो रहा है, तो देखो चलो एक चीज और बता देता हूं मैं इसका, हालांकि जो अभी जो ग्राफ बनाया ना एट प्रेजेंट उसमें थोड़ी सी अगर मैं बहुत प्रिसाइसली देखू थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है ना। अच्छा मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, तुम लोग खुद से सोचो वीडियो पॉज करके क्या गड़बड़ है। मैंने जैसे हिंट दिया कि मैं डेरिवेटिव से जीरो पे एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, तो देयर इज सम स्मॉल मिस्टेक नहीं बोलूंगा, एक्चुअली रफ ग्राफ तो ऐसे बना दूंगा मैं, बट मुझे और एक्यूरेटली बनाना होगा तो थोड़ा सा और करेक्शन करना होगा। वो क्या, देखो मैं इसको बताता हूँ। मैंने जैसे कि अभी बोला कि स्लोप इधर एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, अगर मैं इसका स्लोप देखूं तो क्या आ रहा है, सेक जीरो इज वन अपॉन कॉस जीरो, cos 0 is 1, तो ये 1 आ रहा है at x is equal to 0। बट अगर मैं ध्यान से देखूं जो मैंने अभी present जो ग्राफ बनाया है उसमें मैंने 0 पे स्लोप कितना लिया है,
अगर जीरो पे स्लोप कितना लिया है मैंने, जीरो ही लिया है, क्योंकि अगर मैं जीरो पे टेंजेंट डालूंगा तो हॉरिजॉन्टल होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है जीरो। तो एक्चुअली ग्राफ ऐसे नहीं होगा, देखना मैं इसको और थोड़ा करेक्ट करता हूं। देखा इतने पार्ट को मैं एक बार केवल एक ही ब्रांच बनाऊंगा, ठीक है, हालांकि करेक्ट है, बस थोड़ा और प्रिसाइसली अगर हमें उसको देखना होगा तब के लिए मैं बोल रहा हूं। देखो अभी मैंने क्या बनाया था, ऐसे बनाया था, ठीक है, एक्चुअली ऐसे नहीं बनना चाहिए, इसका स्लोप मुझे पता है जीरो पे क्या आ रहा है, वन आ रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई डैश इज इक्वल टू वन, तो स्लोप वन होना चाहिए। मतलब अगर मैं जीरो पे टेंजेंट खींचू, अगर टेन एक्स पे वाई इज इक्वल टू टेन एक्स पे, तो 45 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। तो ग्राफ शुड बी समथिंग लाइक दिस, ये एकदम करेक्ट ग्राफ है। क्यों करेक्ट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो अगर मैंने जीरो पे टेंजेंट डाला तो लेट्स से दिस इज टेंजेंट, ठीक है, वो बोलेगा सर ये तो टेंजेंट नहीं, ये तो क्रॉस कर रहा है ग्राफ को। तो एक्चुअल डेफिनेशन जैसे मैंने पहले ही बोला था, टेंजेंट क्या हो सकता, क्या होता है, ग्राफ को कट भी कर सकता है। जो हम बचपन में डेफिनेशन पढ़ते हैं कि टेंजेंट टच करता है कर्व को, दैट इज रॉन्ग डेफिनेशन, ठीक है, रॉन्ग मतलब उस टाइम के लिए गलत है। अब हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि वो कट भी कर सकता है। अभी मान लिया ये ब्लैक वाला जो है वो टेंजेंट है, तो जैसे कि मैंने बोला कि ये जो टेंजेंट है इट शुड मेक 45 डिग्री एंगल। तो समझ में आया डिफरेंस क्या है, पहले मैंने जीरो पे क्या बनाया था, फ्लैट बनाया था कर्व, ऐसे बनाया था, अब मैं क्या बना रहा हूं जीरो पे, इट इज समथिंग लाइक दिस, इधर जो जीरो पे ना अब मेरा कुछ एंगल बना रहा है, वो एंगल क्या 45, क्योंकि जीरो पे इसका स्लोप कितना है 1, ठीक है। तो एक पॉइंट मुझे ऐड करना था इसमें, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हो गया, ठीक है, बाद में ये सब चीजें हम और भी एनालिसिस करेंगे डिटेल में, हमारा कैलकुलस बहुत लंबा खींचने वाला है। लंबा क्या मतलब, ये समझ लो कि पूरा जो 12th क्लास है उसमें तुम्हारा 90% कैलकुलस ही है, 10% बस थोड़ा बहुत बचता है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बचता है और एक आधा और है बस, मोस्टली हमें पूरा कैलकुलस ही पढ़ना है, ठीक है। और ये सब एनालिसिस और अच्छा होगा जब हम डिफरेंशिएशन वगैरह सीख लेंगे, क्योंकि ठीक है उस टाइम हमारा ज्यादा अच्छे से कमांड हो पाएगा इस पे। तो अभी के लिए इतना काफी हो गया, ठीक है, 10x में। अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे, दैट इज y = cotx, और जैसा कि मैंने बोला एकदम टेस्ट होना चाहिए ग्राफ, ठीक है, और ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है, अभी भी ये रिपीट करेगा, ये तो मैंने एक इंटरवल के लिए बनाया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है, इसी को जैसे मैंने पहले बताया था, इसको मैंने बस बताने का मेरा मकसद दोबारा ड्रॉ करने का यही था कि जीरो पे इसका स्लोप इज नॉट जीरो, इट इज 1, देयरफॉर अगर मैंने टेंजेंट खींचा x = 0 पे तो क्या आएगा मेरा, वो 45 डिग्री बनाएगा, क्योंकि tan 45 इज 1। चलो अब आते हैं y = cot x पे, तो हम हमारे आते हैं y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो कॉट एक्स को क्या लिखूंगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब देखना इसका ग्राफ बना लेते हैं, तो देखो जीरो पे देख सकते, जीरो पे तुम देख रहे हो कि क्या होगा, एक कॉस जीरो कितना होगा 1, 1 अपॉन साइन जीरो इज जीरो, तो 1 अपॉन जीरो इन्फिनिटी की तरफ होगा, तो ऐसे आइडिया लगा सकते हो, कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे ग्राफ आएगा। और जैसा कि मैंने बोला हमेशा डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम देखेंगे, इट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो हमारा ये आ गया ग्राफ। ठीक है, सिमिलरली इधर चाहेगा ये, ठीक है, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉट एक्स, अब इसको लिख लेते हैं, ये जीरो होगा, ये मेरा होगा पाई बाय टू, और ये होगा पाई, एंड सो ऑन, दिस विल बी 3π/2, एंड हियर इट इज माइनस π/2, एंड हियर इट इज माइनस पाई, एंड सो ऑन, ठीक है। अब सुनना, ये मेरा क्या होगा, वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स, अब इसके बारे में वो सारी चीजें लिख लेते हैं, रेंज डोमेन वगैरह। तो देखना सबसे पहला चीज इज डोमेन, तो डोमेन मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू जिसके लिए वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो देख रहा है कि ये अनडिफाइंड कब होगा, व्हेन डिनोमिनेटर इज जीरो, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है साइन एक्स, और साइन एक्स जीरो कब होता है, मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो मल्टीपल ऑफ पाई छोड़ के मैं कुछ भी डाल सकता हूं इसमें, तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई, वेयर माय एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे प्रॉपर लिखो। उसके बाद आते हैं रेंज पे, तो रेंज दिख रहा है ये जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस पे, अगर मैंने इसका प्रोजेक्शन लिया तो क्या आएगा, पूरा वाई एक्सिस कवर हो जाएगा, हेंस द रेंजेस आर, रेंजेस आर। उसके बाद आते हैं हम रूट्स पे, तो रूट्स मतलब क्या होता है, जीरो कब हो रहा है, किस एक्स की वैल्यू के लिए वो जीरो हो रहा है, तो ये जीरो कब होगा, मैं न्यूमरेटर जीरो, न्यूमरेटर में क्या लिखा है कॉस एक्स, और कॉस एक्स जीरो कब होता है,
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू में, एक तो तरीका ऐसे बोल सकते हैं, या फिर ग्राफिकली देखो, ग्राफिकली हमें देखना है कि ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पाई बाय टू पे थ्री पाई बाय टू, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पाई बाय टू थ्री पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, तो क्या है बेसिकली अगर मैं जनरलाइज देखूं तो दे आर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, तो रूट क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू, वेयर माय एन बिलोंग्स टू अगेन इंटीजर, ठीक है। चलो इसके बारे में अब और देख लेते हैं हम, एफ मैक्स मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, डज नॉट एक्सिस्ट, क्योंकि रेंज का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, सॉरी सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, कुछ नहीं है, माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी है तो डज नॉट एक्सिस्ट हो गया। सिमिलरली एफ मिनिमम कितना हो गया, डज नॉट एक्सिस्ट, लोअर बाउंड है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं है क्योंकि माइनस इनफिनिटी तक जा रहे हैं, अपर बाउंड है क्या, नहीं वो भी नहीं है, तो ओवरऑल फंक्शन इज अनबाउंडेड। अब आते हैं मेन चीज पे, जैसे मैंने पिछली बार बोला था एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन जिसको ग्राफ अप्रोच कर रहा है इंडेफिनेटली, तो इधर दिख रहा है कि हमें ये जो ग्राफ है ब्लैक वाला है ये इस वाली लाइन को अप्रोच कर रहा है, सिमिलर ये वाली लाइन को अप्रोच कर रहा है, डेड डैश बनाया है, तो ये जो मेरी हो गई ये एसिम्प्टोट हो गई, सिमिलरली दिस इज माय एसिम्प्टोट, दिस इज माय एसिम्प्टोट। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है मुझे, सिंस इट इज वर्टिकल लाइन तो इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू पाई, इसकी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसकी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई, तो इसको मैं जनरलाइज कैसे लिखूंगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, जीरो रखा तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इज वन ऑफ द टेंजेंट, सॉरी वन ऑफ द एसिम्प्टोट फॉर दिस, एन इज इक्वल टू वन रखा तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू पाई, अगेन एक्स इज इक्वल टू पाई इज वन ऑफ द एसिम्प्टोट, एन की जगह टू रखा तो हमारा क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू टू पाई, तो इधर आएगा एक्स इज इक्वल टू टू पाई, तो दिस इज एसिम्प्टोट, तो याद रखना दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, और लास्टली आता है हमारा पीरियोडिक, तो पीरियोडिक है ये बिल्कुल है, और इसका पीरियड क्या है, फंडामेंटल पीरियड पाई, क्योंकि अगर पाई पाई इंटरवल तक का मुझे ग्राफ दे दिया जीरो से पाई तक का, देन आई विल बी एबल टू ड्रॉ द कंप्लीट ग्राफ, यही रिपीट कर रहा है, ये देखो इसको इधर मैंने शिफ्ट कर दिया था, तो पीरियड तो हो जाएगा पाई, ठीक है। तो चलो ये चीज हो गई जो हमने पहले देखी थी, अब वही चीज हम एक बार और देख लेते, जो लास्ट ग्राफ में मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा, लास्ट ग्राफ में एक्स्ट्रा चीज बताई थी क्या, डेरिवेटिव से थोड़ा और एनालिसिस कर लेते हैं इसका, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स का, ये तो हमने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, y is equal to y dash is minus cosec square x, या फिर कैसे निकाल सकते हैं इसको, cosec upon sin x लिखूं और फिर डिवीजन रूल लगाओ, u by v रूल, ठीक है ना, उससे तुम्हारा माइनस cosec square आ जाएगा। अच्छा अब माइनस cosec square x दिख रहा है, दिस इज अ नॉन नेगेटिव, ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब मेरा जो y is equal to cot x है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो मतलब x बढ़ाएंगे तो y घटेगा, तो दिख रहा है कि अगर मैं x बढ़ा रहा हूं, जैसे मैं x बढ़ा रहा हूं इधर, x बढ़ा रहा हूं तो y घट रहा है, इधर x y ये है और x बढ़ा है तो y कम हो गया थोड़ा, पहले ये y था, ठीक है, एक चीज तो ये, और सिंस डेरिवेटिव इज नेगेटिव तो अगर इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचूंगा तो वो जो टेंजेंट होगा वो y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में y एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, सो लेट्स से मैंने इस ब्रांच पे ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये होगा मेरा टेंजेंट, तो ये जो टेंजेंट है दैट विल मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल, मान लो इस ब्रांच पे बनाया तो इस ब्रांच पे बना लो, दिस इज टेंजेंट, तो ये कितना बना रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, हमें हमेशा एंगल इसके साथ देखते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो दिस इज ऑब्ट्यूज, ठीक है, ओके। और भी चीज देख सकते हो, जैसे जैसे और क्या देखें हम, इसके स्लोप के बारे में भी देख सकते हो, जैसे इसको इसका जैसे जीरो पे मैंने डाला, इसको जीरो वैल्यू डाली तो कोसेक स्क्वायर जीरो, पहले मैं इसको लिख लेता हूं माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज माय डेरिवेटिव, स्लोप से भी थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे, जैसे मैंने एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डाला तो वन अपॉन जीरो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, तो दिख रहा है जीरो पे जो ग्राफ है, जीरो पे जो ग्राफ है दैट इज एक्चुअली वर्टिकल, ठीक है ना, सिमिलरली यू कैन सी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू पे ये वैल्यू कितनी है, माइनस वन, इट इज माइनस वन, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू लिख लो वाई डैश एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू इज माइनस वन, तो दिख रहा है माइनस वन पे, कैसे दिख रहा है, अब देखना मैं एक कम करके इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, केवल पाई बाय टू के अक्रॉस बनाता हूं, देखना ध्यान से, पाई बाय टू के अक्रॉस अकेला केवल इसका ग्राफ बना रहा हूं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वाई डैश माइनस वन कैसे हमारा, एक्चुअली उस पॉइंट पे क्या होगा हमारा, देखो इस पॉइंट पे दिस इज पाई बाय टू, इस पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया ना तो इट इज टेंजेंट इज समथिंग लाइक दिस, सो tan थीटा इज माइनस वन, इसका मतलब थीटा कितना होगा 135 डिग्री, इसका मतलब ये जो टेंजेंट है वो
135 डिग्री एंगल बनाएगा। ये क्या है, मैंने जो लाइन बनाई मैंने, ये दिस इज टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। देखो क्या होगा कि जैसे मान लो इससे क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, हालांकि मैं इसे छोटा सा क्वेश्चन कैसे बना सकता हूँ कि जैसे ये देखना, मैं ऐसा क्वेश्चन बना सकता हूं कि एक सेकंड रुकना, एक ये बनाया, एक ये बनाया इस टाइप का, ऐसे बना कर रख दिया, और एक मैंने ऐसे बनाया। मैं बोल रहा हूं दिस इज एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 है ये, दिस इज पाई बाय 2 और दिस इज पाई बाय 2। फिर मैं क्या क्वेश्चन होगा मेरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ कॉटेक्स, तब मेरा एनालिसिस इससे डेरिवेटिव से होगा। तो हमने देखा अभी कि डेरिवेटिव मेरा एट x = π/2 - 1 है, इसका मतलब x = π/2 पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया सो इट शुड मेक एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, मतलब ऑब्टूस एंगल बनाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन वेरीफाई करेगा। तो देखो अगर मैंने इधर टेंजेंट ड्रॉ किया तो इट इज हॉरिजॉन्टल, तो ये गलत हो गया। इधर इधर टेंजेंट ड्रॉ किया तो वर्टिकल हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब इधर जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे सो दिस इज एक्चुअली ऑब्टूस एंगल एंड दैट एंगल इज 135 डिग्री, हेंस दिस इज करेक्ट। तो समझ में, छोटी छोटी चीज पे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज तुम्हें आना चाहिए। तो इस ग्राफ के बारे में इतना हो गया काफी, अब हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मूव करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू sec x। तो तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो, आई रब द बोर्ड, y इज इक्वल टू sec x। सबसे ज्यादा जो तुम्हारा यूज होगा साइन cos तो होगा ही होगा, उसके बाद जो यूज होगा tan यूज होगा सबसे ज्यादा थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, और sec x और cos x कम ही यूज होता है। सो जनरली जैसे याद तो नहीं रखते, बट याद रहेगा तो तुम्हारा ही टाइम सेव होगा। अगर याद नहीं रख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, देन एंड देयर यू कैन ड्राइव, ठीक है। देन एंड देयर मतलब अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया तो उसी टाइम तुम उसका एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है दिखने में sec x का और cos x का, ठीक है। बट अगर याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो बेनिफिट ही है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने बोला y इज इक्वल टू sec x, y इज इक्वल टू sec x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसके अच्छा उसको लिख लेते हैं 1/cos x, ठीक है। अच्छा अब सुनना ध्यान से, एक एक चीज देखना ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं कि cos x तो मुझे पता है माइनस वन से वन लाई करता है, मतलब एक फ्रैक्शन है। अच्छा और 1/ फ्रैक्शन क्या होगा, एक अगर मैंने किसी नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड किया तो क्या होगा, या तो वो नंबर 1 से बड़ा होगा या माइनस 1 से छोटा होगा। तो समझ में आया, दोबारा एक बार और देखो सुनो क्या बोला कि जो जो मेरा cos x है दिस इज फ्रैक्शन, ये तो अभी हमने इससे पहले देखा इसकी रेंज क्या होती है माइनस वन से वन, ये फ्रैक्शन है। तो 1/फ्रैक्शन क्या होगा, अगर वो फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो ये क्या होगा ग्रेटर देन वन, अगर वो फ्रैक्शन नेगेटिव है तो ये 1/फ्रैक्शन क्या होगा लेस देन माइनस वन। इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे हमारा ये कंक्लूजन निकला कि जो sec x की वैल्यू है क्या है, या तो 1 से बड़ी होगी या माइनस 1 से छोटी होगी। समझ में आया क्या बोला मैंने, या तो 1 से बड़ी होगी या माइनस 1 से छोटी होगी। इसका मतलब y is equal to 1 and y is equal to minus 1, इन दोनों के बीच में मेरा ग्राफ नहीं आएगा। क्या बोला, चलो लाइन बना लेते हैं, दिस इज y is equal to 1 एंड दिस इज y is equal to minus 1, इन दोनों लाइन के बीच में मेरा ग्राफ नहीं आएगा, ये बोलना चाहूंगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम इसके ग्राफ पे। तो मेरा ग्राफ कहाँ आएगा, इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में नहीं आएगा, इस रीजन में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैंने क्या बोला माइनस वन से वन इसका इसके रेंज में आएगा ही नहीं, ये वाला जो रीजन है इसके रेंज में आएगा ही नहीं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हम इनसे भी काफी हद तक कुछ कुछ क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब आते हैं इसकी एक्चुअल ग्राफ पे। तो ग्राफ क्या होगा, देखो जब जीरो रखोगे ना तो cos 0 1 होगा, तो cos 0 1 होगा इसका मतलब दिस इज 0, ये तो मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। तो जीरो पे वैल्यू बना रहे थे तो ये होगा। अच्छा अब आते हैं इसके 1/cos x है, तो अब ये अनडिफाइंड कब हो जाएगा, x is equal to pi by 2 पे, 3 pi by 2 पे, तो pi by 2 पे क्या हो रहा होगा, इन्फिनिटी पे जा रहा होगा, मतलब x is equal to pi by 2 जो होगा इसलिए asymptote का काम करेगा। तो मैंने x is equal to pi by 2 बना दिया, this is pi by 2, ये asymptote का ग्राफ करेगा, तो ग्राफ curve will be like this। Similarly, minus pi by 2 भी asymptote का काम करेगा, curve will be like this। ठीक
ठीक है। अच्छा अब देखना, अब मैं और ग्राफ बना देता हूँ इसको, और एसिम्प्टोट बना देता हूँ। अब एसिम्प्टोट और कौन सी होगी देखना ध्यान से, जैसे cos x कब जीरो हो रहा है, एक तो पाई बाय टू पे हो रहा है, सॉरी पाई बाय टू पे जीरो हो रहा है, फिर नेक्स्ट पाई बाय कब होगा, थ्री पाई बाय टू पे, तो थ्री पाई बाय टू पे भी एक एसिम्प्टोट आएगी, तो लेट्स से दिस इज थ्री पाई बाय टू, एक मिनट वेट अ मिनट, ओके नॉट दिस वन, इधर देखना मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये ग्राफ, चलो दिस इज ओके, एक काम करता हूँ थोड़ा पास बनाता हूँ सो दैट एक पूरे बोर्ड पे आ जाएगा हमारा ये ग्राफ, ये पाई बाय टू हो गया, ये पाई हो गया, और लेट्स से दिस इज थ्री पाई बाय टू, थोड़ा पास बना दिया मैंने सो दैट इस पूरे बोर्ड पे आ जाएगा हमारा। अब देखना क्या हो रहा है कि अब जैसे मैंने पाई पे वैल्यू देखा, कॉस पाई कितना है माइनस वन, तो कॉस पाई पे माइनस वन आएगा, मतलब ये वाला ये पॉइंट होगा हमारा, अगेन थ्री पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू और पाई बाय टू एसिम्प्टोट का काम करना चाहिए, ये पॉइंट है मुझे पता है, ऊपर तो जाना नहीं नीचे ग्राफ है, ये दीज टू आर एसिम्प्टोट्स, तो पॉसिबिलिटी क्या है, ग्राफ विल बी लाइक दिस, समझ में आया बच्चों, दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू सेक एक्स। अच्छा अब सुनना, जैसे कि मैंने बताया कॉस एक्स पीरियडिक होता है, पीरियडिक होता है इसका मतलब जीरो से टू पाई, जैसे मैंने बताया टू पाई पीरियड होता है, अगर वन अपॉन कॉस एक्स पीरियडिक है तो सेक एक्स पीरियडिक होगा, क्योंकि कॉस एक्स रिपीट करेगा तो उस टाइम इंटरवल सेक एक्स रिपीट करेगा, क्योंकि सेक एक्स क्या है केवल रेसिप्रोकल ही है उसी का, तो इसका पीरियड भी टू पाई होगा, तो अब इसका मतलब इसका ग्राफ सेक एक्स का मुझे केवल टू पाई लेंथ का चाहिए, उसके बाद वो रिपीट करेगा। अब देखो ये मेरा जीरो था, ये मेरा माइनस पाई बाय टू था, और ये मेरा हो गया थ्री पाई बाय टू, तो माइनस पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू टोटल लेंथ कितना हो गया टू पाई, तो यही ग्राफ बस शिफ्ट करना है मुझे, ठीक है यही ग्राफ मुझे बस शिफ्ट करना है, तो ग्राफ शिफ्ट करूंगा तो क्या जाएगा देखना, इधर ऐसे ऐसे करवा जाएंगे, फिर ये हो जाएगा इधर ऐसे करवा जाएगा एंड सो ऑन, तो समझ में आया क्या हो गया, एक्चुअली बस ऐसे बोल दो तुम जो साइन एक्स ग्राफ है ना उसको उल्टा कर दिया काट के, ठीक है अब वो तुम्हारा तरीका है तुम कैसे मेमोराइज करते हो, ठीक है तो क्या बताया मैंने, इन ये दोनों ब्रांच आ गई थी, ये पाई लेंथ की ब्रांच है ये पाई लेंथ की, तो ये टोटल टू पाई हो गया, ये इसका पीरियड है, तो इसी को बस शिफ्ट करना है मुझे, तो ये वाला पार्ट इधर आएगा, ये पार्ट इसके भी आगे जाएगा, इधर ऐसा जाएगा, ये अगेन एसिम्प्टोट टाइप की होगी, क्लियर हो बच्चों, ठीक है चलो अब मैं इसके हम वो लिख लेते हैं क्या 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 इसके रेंज क्या है डोमेन क्या है सो ऑन, तो जगह कम है मैं एक काम करता हूँ इस पार्ट को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है तुम लोग कॉपी कर लो, आई एम रबिंग इट फ्रॉम हियर, तो दैट एक ही बोर्ड पे लिखा हो जाएगा इसी का डाटा, चलो तो पहला काम क्या है हमारा डोमेन, तो डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू जिसके लिए ग्राफ वैलिड हो या मतलब फंक्शन डिफाइन हो, तो क्या नहीं डाल सकते जब कॉस एक्स जीरो हो रहा हो, तो कॉस एक्स जीरो का वो डॉट मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है, तो दिख रहा है पाई बाय टू पे एसिम्प्टोट्स नहीं है पाई बाय टू थ्री, तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा आर माइनस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू, फिर रेंज, अब रेंज का क्या बताया था मैंने, या तो ग्राफ से देख लो कि प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, तो वन से लेकर इन्फिनिटी तक है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन है, मतलब ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, दिस इज वॉट माई पार्ट ऑफ रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगी देखना ध्यान से मैं कैसे लिख रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूं आर माइनस माइनस वन टू वन, देखना इधर ओपन है इधर क्लोज है, ओपन इसलिए क्योंकि मुझे वन और माइनस वन मेरा पार्ट है रेंज का, तो वन और माइनस वन नहीं हटाने, उसके बीच के सारे एलिमेंट्स हटाने, ठीक है चलो उसके बाद आते हैं रूट्स पे, तो ये ग्राफ कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, इसको कहीं कट कर रहा है क्या, नहीं कहीं नहीं कर रहा, तो कोई रूट नहीं है, वैसे वैसे भी देख सकते हो वन अपॉन कॉस एक्स लिखा है, तो रूट तो जब होगा ना जब न्यूमरेटर जीरो होगा, न्यूमरेटर में वन लिखा है तो वन तो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब देयर इज नो रूट। थर्ड आते हैं उस पे एफ मैक्स, एफ मैक्स क्या है, इंफिनिटी तक जा रहा है तो डज नॉट एग्जिस्ट, एफ मिन अगेन डज नॉट एग्जिस्ट, अपर बाउंड नहीं है, लोअर बाउंड नहीं है, तो ओवरऑल फंक्शन इज अनबाउंडेड। अब आते हैं एसिम्प्टोट पे, ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट क्या हो जाएगी हमारी, ये वर्टिकल लाइन माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू थ्री पाई बाय टू, तो उसको जनरलाइज कैसे लिखूं, वर्टिकल लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू, ठीक है उसके बाद हमारा लास्ट बचता है पीरियोडिक, तो क्या पीरियोडिक है, हाँ पीरियोडिक है, पीरियड कितना है जो कॉस एक्स का पीरियड था, क्या था वो टू पाई, हेंस द पीरियड इज टू पाई, ठीक है
और इसके बारे में इतना काफी है, बाकी डेरिवेटिव से भी थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हैं, बट अभी के लिए जरूरत है नहीं उतना। बाकी सेट एक्स का डेरिवेटिव से तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें निकाल भी सकते हो, हालांकि इसमें डिवीजन रूल लगा के सेट एक्स टेन एक्स होता है, ठीक है। उससे तुम थोड़ा बहुत और एनालिसिस कर लेना, खुद से एनालिसिस करो कि जीरो पे इसका स्लोप कितना है पाई बाय टू पे, कन्वर्सी की जीरो पे स्लोप जीरो आ रहा है, पाई बाय टू पे स्लोप इन्फिनिटी आ रहा है, तो उससे तुम देख लोगे कि जीरो पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो हॉरिजॉन्टल आ रहा है, पाई बाय टू पे वर्टिकल आ रहा है, एंड सो ऑन। तो वो एनालिसिस और इसमें ऐड कर लेना, वो तुम खुद से ऐड करो उसमें, ठीक है। क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करो, अगर इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं आता है तो कॉस एक्स का तो पता होगा, ठीक है ना, इसमें डिविजन रूल लगा दो वन अपॉन कॉस एक्स में, ठीक है, या फिर कॉस एक्स की पावर माइनस वन लिख के कर सकते हो। बोथ देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, बाकी ये स्टैंडर्ड है। हम डेरिवेटिव में एक चार्ट बनवाऊंगा जो मेरे को याद रखने वाले फंक्शन, जो दिन का डेरिवेटिव मुझे एकदम क्विस्ट पे होना चाहिए, उसमें से वन ऑफ द फंक्शन है सेक एक्स, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, इसके बाद हम लास्ट ग्राफ देखते हैं, दैट इज ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो हमारा लास्ट सिक्स्थ ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, जिसको पहले लिख लेते हैं वन अपॉन साइन एक्स। तो हम इसका फास्ट बनाएंगे थोड़ा, ठीक है, और बेटर क्या होगा, एक बार जैसे मैंने एनालिसिस करा किसका sec x का, वैसा तुम खुद से ट्राई करके पॉज करके खुद से बनाओ। जैसे पहले मैंने क्या किया था, हमने सबसे पहले डिसाइड किया था कि किस जैसे वो माइनस वन से वन के बीच में नहीं आएगा, उसी प्रकार ये भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि साइन एक्स इज अगेन फ्रैक्शन, एंड वन अपॉन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, या तो वन से बड़ा या माइनस वन से छोटा। तो अगेन सेम एनालिसिस है, तो थोड़ा फास्ट बनाते हैं, इन दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में इसका ग्राफ नहीं आएगा, ये क्या है वन और ये क्या है माइनस वन, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने देखा कि जीरो पे, लेट्स से दिस इज जीरो, जैसे जीरो मैं क्या करता हूँ मार्क कर देता हूँ, लाइन बना देता हूँ वर्टिकल, थोड़ी बहुत थोड़ा एनालिसिस हो जाएगा हमारा। देखो ये मेरा पाई बाय टू है, ये मेरा पाई, थोड़ा एक आधा बना लेते हैं, थ्री पाई बाय टू और टू पाई। तो वो देखते हैं जीरो पे क्या हो रहा है, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इसलिए एसएमटोट एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है वो एसएमटोट का काम करेगा। एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पे ये वन है, तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पे ये वन है, तो ये पॉइंट होगा, ये दोनों एसएम जीरो एंड पाई बोथ आर एसएमटोट, तो क्या होगा हमारा ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। अब इधर आते हैं थ्री पाई बाई टू पे क्या होगा, साइन ऑफ थ्री पाई बाई टू इज माइनस वन, तो ये वैल्यू होगी, एंड अगेन पाई एंड टू पाई अगर अगेन एसएमटोट, तो ये हो जाएगा। बस अब इसी को शिफ्ट कर दो तुम लोग, इसको शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से बच्चों, इस वाले को जब मैं शिफ्ट करूंगा इधर, इस वाले को उठा के ऐसे रखूंगा, तो ये वाला पार्ट इधर आएगा सॉरी, ये आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है, और फिर ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, एंड सो जैसे यू शेप बनते जाएंगे, ठीक है। तो अब वो ले लेते हैं इसके क्या डोमेन और रेंज वगैरह। तो डोमेन पहले, तो डोमेन क्या होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वो एक्स हटा दो रियल वैल्यूज में से, तो साइन एक्स कब जीरो होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। फिर आते हैं हम रेंज पे, तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा, प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे ग्राफ का, तो दिख रहा है जैसे उसकी उसका जो रेंज आया था वो इसका आएगा, किसका सेक एक्स का जो आया था, वो क्या आया था हमारा माइनस इंफिनिटी से माइनस वन क्लोज यूनियन वन क्लोज से इंफिनिटी। और जैसा कि मैंने बताया इसको मैं और कैसे लिख सकते हैं, आर माइनस माइनस वन टू वन। उसके बाद आते हैं हम इसके रूट्स पे, तो क्या ये कट कर रहा है क्या वाई एक्स एक्सिस को, भाई नहीं कर रहा है, तो ये कभी जीरो तो ही नहीं है, हेंस नो रूट, नो रूट। उसके बाद हम आते हैं एफ मैक्स, एफ मिन, एफ मैक्स नहीं है, एफ मिन नहीं है, डायरेक्टली बोल सकते हैं रेंज को देख के। उसके बाद लोअर बाउंड बिल्कुल नहीं है, अपर बाउंड बिल्कुल नहीं है, तो ओवरऑल फंक्शन इज अनबाउंडेड। अच्छा, अब आते हैं लास्टली इंपॉर्टेंट वाला एसएमटोट। तो एसएमटोट क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन जिसको ग्राफ इंडेफिनेटली अप्रोच करता है, दिख रहा है पाई को अप्रोच कर रहा है ये ग्राफ, फिर टू पाई को अप्रोच कर रहा है ये ग्राफ, तो पाई टू पाई माइनस पाई इन सब ये दे आर नथिंग बट एसएमटोट। तो वर्टिकल लाइन है, तो क्या लिखूंगा इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट क्या है पाई टू पाई, तो जनरलाइज कैसे लिखूंगा मैं एसएमटोट की इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, वेयर माय एन बिलोंग्स टू इंटीजर, दीज आर माय एसएमटोट, तो इनफाइनाइट एसएमटोट होंगे। और लास्टली हमारा क्या आया इसमें, पीरियोडिक। तो पीरियोडिक है क्या, हाँ बिल्कुल पीरियोडिक है, और इसका पीरियड क्या है, हमारा पीरियड हो गया टू पाई, ठीक है। चलो, तो इतना काफी है इसके लिए भी, ठीक है। तो आज जो मैंने पढ़ाया
इसमें ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ तुम्हारे एकदम चेस्ट पे होना चाहिए, ठीक है। और जो उससे पहले पढ़ा था एक्स की पावर एन, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। और स्पेशली इसमें जो हमारा काम आने वाला है वो टेन एक्स वाला, सबसे ज्यादा टेन एक्स का काम आएगा थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। साइन एक्स कॉस एक्स भी इक्विवेलेंट ही आएगा, बट उसका क्या होता है साइन एक्स कॉस एक्स का अभी तक भी हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हमें एकदम टेस्ट पे रहता है। बट मोस्टली हमें किसका काम आना चाहिए, किसका याद, अभी आज की क्लास में किसका हमें ज्यादा फोकस आएगा, टेन एक्स का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी वो भी याद रखो तुम सेक एक्स और कोसेक एक्स का, ऐसा नहीं बोल रहा वो याद नहीं रखना, वो भी याद रखना, बट मोर इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना काफी है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।